वापस पहुंच गए फ्रैंकफर्ट, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। दूसरा स्टेशन जहाँ में उतरे थे, खाना खाया था। अब हम जा रहे हैं म्यूजियम आइलैंड, जो कि हमारे होटल के बहुत करीब है। बस पिक करेगी हमें। जी ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني مال كل فؤادي، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام. ميوزيوم ايلاند. ये वाला म्यूजियम देखें आप। और इसके बाद ये म्यूजियम देखें। हाँ, इस म्यूजियम की बात ये देखें। अब हम इस म्यूजियम में जाने लगे हैं। इन म्यूजियम्स की खासियत ये है कि वो बहुत पुराने हैं, 15th century में बने हैं। जी, तो हम इससे निकल के अभी पीछे इजिप्शियन म्यूजियम है, इसमें जा रहे हैं। तो ये जो म्यूजियम की मैं आपको बता दूं, सर्कल किया हुआ है, इस म्यूजियम पे हम जा रहे हैं। صلي عليه يا ربي صلوات الله عليه. ايجيبشن ميوزيم پہلے کی جو مزار ہیں، یہ دیکھیں، یہ مسلمانوں کے جو پرانے جیسے رہن سہن ہوتا تھا ویسا ہے۔ اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ عربک جیسے ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں ایجپٹ میں۔ یہ دیکھیں ان کے پرانے زمانے کے رنگز ہیں، یہ میرے خیال سے گولڈ سے جو بناتے تھے، سونے سے جو چیزیں بنتی تھیں ایجپٹ میں۔ یہ دیکھیں اس کے، فرعون جو اس وقت جو ممیز کے اندر ڈال کے لوگوں کو دفن کرتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، پتھر کے ہوتے تھے، اور یہ اس طرح کے فیس بنا کے ان کے اوپر چادریں چڑھا کے ایسے 300 BC میں چلے گئے ہم۔ دیکھیں 300 کے گھر ایسے سٹیز کے ایسے بنتے تھے، پتھروں سے بنا کے۔ ان کی ڈیٹیل ورک دیکھیں ان کی دیواروں پہ، اس ٹائم کتنا کلین صاف ستھرا کام کرتے تھے۔ دیواروں کے اندر ان کے کام دیکھیں، صفائی کے ساتھ کیا ہوا، میسیج دیتے ہیں، اس میں انہیں بھی میسیجز ہوتے ہیں۔ رائٹنگ ہے، یہ پرانی اینشنٹ ٹائم کی رائٹنگ ہے، والس کے اندر لکھتے تھے۔ جیسے انسانوں کے مجسمے بنا کے پتھروں سے گھر بن چکے اس ٹائم، اور نیچے جن میں کو ڈال کے ممی کو اسٹور کرتے تھے، یہ وہ جگہ ان کی قبریں ہیں قسم کی۔ یہ جو پیرامڈس ہیں اس کا اسٹرکچر دکھایا ہوا ہے، پیرامڈس کیسے بنے، اور اس سے آگے بھی جو ان کے آگے جو پہلے بنے ہوئے تھے، شاید یہ ڈسٹروائے ہو گئے تھے اوور ٹائم۔ یہ جو آگے ان کے کنگس کے
वो बने हुए थे स्टेप बाय स्टेप. ये देखिए जो इनकी कब्रें जिनमें इनको दफन करते थे. आज इनको देखिए आप, ये असली वाली लेके आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ रखी हुई है ताकि लोग देखें. अस्सलाम वालेकुम. सलाम, कैसे आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सब ठीक है. यहाँ पर आप काम करते हैं? जी जी, मैं सलमान इस्लाम का लाजमी देखिएगा जी. तो ये असली जो वहाँ से लेके आए हैं या म्यूजियम्स में डिस्प्ले करने के लिए? पैरामिड्स. दूसरों का शायद पता नहीं, मैंने विजिट कभी नहीं किया, लेकिन मुझे जी इसका आर्ट वर्क देखिए आप. ये बनाया गया खुद ही? खुद बनाया नहीं, क्या इनकी वही मम्मी के लिए? ये भी जी मम्मी का बॉक्स 1390 में. ये इनको ऐसे डालते थे, इसके ऊपर कवर करने के लिए रखते थे. ये देखिए जानवर सांप बना हुआ है, इसको पुराने कैसे प्रिजर्व करते थे उस टाइम में जब इनकी मम्मीज बनाई हुई हैं. म्यूजियम इसमें सब उन्होंने बताया हुआ है कि पुरानी लाइफ कैसी होती थी. देखिए इटली का मॉन्यूमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस म्यूजियम का. इसकी जो लाइटिंग है, इसका जो तरीके तिहाई अच्छे. हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर स्टेयर्स के ऊपर से आपको 360 व्यू दिखाएंगे. इन्होंने वर्चुअल रियलिटी दिखाई हुई है कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे. पर ये पैलेस है, पैलेस में मीटिंग्स हो रही हैं किंग की, तो बता शादी चल रही है. और उसके बाद ये नीचे देखें, नीचे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बैठे हुए अपना फ्री टाइम. ये देखें अपने एंटर हो रहे हैं दरवाजे से सिटी के, कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं. ये स्टैचू बन रहे हैं यहाँ पे, आर्ट वर्क है यहाँ पे. आवाज़ें भी डाली हुई उन्होंने एडिशनल, बेड बकरियाँ. और ये बहुत कुछ इसको बहुत डिटेल से बनाया हुआ इन्होंने. तो यहाँ से जो गोश्त है इसको ज़बह करके, ये दुम्बे हैं वो लोग, वाले बकरे हैं, इनको ज़बह कर रहे हैं. और उसके बाद यहाँ से खून देखें लगता लगता ऊपर जाके गोश्त बना रहे हैं. लोग सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं. और वे देखें गांव की लाइफ, गांव ऐसे होते थे उस टाइम. बीच में से रिवर जा रही है, उसके बाद पहाड़, और उसके दरमियान में ये उन्होंने स्टेडियम बनाया हुआ है. बकरों के बैल की आवाज़ें उन्होंने डाली हुई हैं, एडिट की हुई हैं ताकि उससे ऐसी फीलिंग आए. लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ से सिटी, अंदर जाएंगे यहाँ से फिर इस गेट से एंटर होते हैं. एक बात अजीब देखी मैंने कि बेकारी हर दौर में रहे हैं, बेशक जो भी हो. और ये देखें सिटी के अंदर एंटर हो के ये लोग यहाँ पर बैठेंगे अपनी कुर्सियों पे. उस टाइम की कुछ लोगों के पास बकरियाँ हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ. अभी रात होने वाली है, थोड़ी देर में लाइट डिम हो रही है, अब शाम हो गई है. ये वाली फ़ोटो उन्होंने स्ट्रेच करके पूरे ऊपर बनाई हुई है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था आज. फुल क्रेडिट जाता है इस आर्टिस्ट को.